दोस्तों आज हम करेंगे बेसिक कंपैरिजन बजाज की प्लेटिना एच गियर के साथ हीरो की स्प्लेंडर प्लस आईबीएस वाले मॉडल की। दोनों गाड़ी दोस्तों माइलेज के लिहाज से काफी शानदार है। अगर हम बात करेंगे इंजन के बारे में तो प्लेटिना में आपको मिलता है 110 सीसी का इंजन, स्प्लेंडर में वही आपको मिलता है 100 सीसी यानी कि 97.2 सीसी का इंजन। अगर हम गियर की बात करें तो आपको बता दें प्लेटिना जैसा कि हम जानते हैं एच गियर के साथ मार्केट में आ गई है, तो इसमें आपको मिलता है 5 गियर, साथ ही वो गियर सजेशन का भी ऑप्शन मिलता है कि कहाँ आपको गियर कम करनी है, कहाँ आपको गियर लगानी है। स्प्लेंडर में आपको मिलता है 4 नंबर ऑफ गियर। अगर हम सेफ्टी फीचर की बात करें तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको स्प्लेंडर में आईबीएस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको एसबीटी का भी ऑप्शन मिलता है। अगर हम बात करेंगे स्पीड के बारे में तो आपको बता दें जैसा कि आप देख रहे हैं बजाज की प्लेटिना दोस्तों पकड़ती है 0 से लेकर 60 की स्पीड 7.99 सेकंड में, वहीं आपको स्प्लेंडर लेती है 12.2 सेकंड का समय। अगर हम माइलेज की बात करें तो आपको बता दें कंपनी कहती है प्लेटिना में आपको मिलेगी 70 km/h के बीच माइलेज, स्प्लेंडर में आपको मिलेगी 80 km/h के बीच माइलेज। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों अक्सर गाड़ी में आपको 60 से 65 के बीच माइलेज देखने को मिल जाती है, लेकिन माइलेज और भी कई सारी कंडीशन पर एग्जिस्ट करती है तो आपको माइलेज में बदलाव देखने को मिल सकती है। अगर हम व्हील साइज की बात करें तो आपको बता दें प्लेटिना में आपको मिलते हैं 17 इंच के टायर ट्यूबलेस के साथ। वेलकम, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। वहीं आपको मिलते हैं स्प्लेंडर में 18 इंच के टायर ट्यूबलेस टायर के साथ। सीट हाइट आपको मिल जाती है 807 मिलीमीटर की प्लेटिना में, स्प्लेंडर में आपको मिलती है 785 mm की। अगर हम वेट की बात करें तो आपको बता दें प्लेटिना की वेट है 118 किलोग्राम, वहीं आपको स्प्लेंडर की वेट है 112 किलोग्राम। साथ ही आपको बता दें कि प्लेटिना के एच गियर में आपको डिस्क ब्रेक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो डिस्क ब्रेक की कीमत पड़ती है एक शोरूम प्राइस 56,200 रुपये। अगर हम ऑन रोड कीमत की बात करेंगे तो आपको बता दें उसमें हम जोड़ेंगे 56,000 के साथ RTO अमाउंट, रोड टैक्स और प्रोसेसिंग फी, तो कीमत आपको 70-72 के आसपास पहुँच ही जाएगी। स्प्लेंडर की भी आपको उसी के आसपास पहुँच जाती है, तो इसकी आपको पड़ती है एक शोरूम कीमत 56,600 रुपये। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कीमत दोनों ही गाड़ी की सेम पड़ रही है 56,200 रुपये के आसपास, लेकिन प्लेटिना में हमें बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाती है, डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाती है, लुक थोड़ी सी सही कर दी गई है। लेकिन अगर स्प्लेंडर की बात करें तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक ऑप्शन अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी बाइक लेनी हो तो अपने लुक के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि फीचर दोनों ही गाड़ी के बहुत ही शानदार है माइलेज और परफॉर्मेंस को लेकर। तो प्लेटिना बहुत लोगों को छोटी लगती है तो स्प्लेंडर ले सकते हैं, लेकिन अगर उनको डिस्क ब्रेक ऑप्शन चाहिए तो वो प्लेटिना भी ले सकते हैं। तो इस दोनों गाड़ी के बारे में आपको क्या कहना है दोस्तों कमेंट में लिखकर बताइएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विथ अस।